अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर करना है 7, जिसमें भी हमने वेरिफिकेशन करनी है, प्रूफ करना है। हमें क्वेश्चन में कुछ एक इक्वेशन गिवन है, साथ में वो ये कह रहा है कि आपके उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, और वहाँ से हमें इस बात का पता चल रहा है कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। साथ में उसने हमें कह दिया कि उसको वेरीफाई करें कि ये दो आंसर आने चाहिए, दैट इज़ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड सेकंड वन इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc शुड इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है नेचर ऑफ रूट के बारे में, कि नेचर ऑफ रूट अगर इक्वल हो जाएँ तो आपके डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन को के डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे और इस पर्टिकुलर आंसर्स को इन्हें वेरीफाई करके दिखा देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंपेयर यू दिस इक्वेशन विद योर स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी शुड इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो a हमारे पास क्या होगा, a इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब कंपेयर कर रहे हैं और अपने लेटर्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। a हमारे पास क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस ए बी। बी हमारे पास क्या होगा, माइनस टू इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी। लास्ट वन है c, क्या होगा हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल। ये हमारे पास ए बी सी आ गए। अब आगे हमने क्या करना है, सिंपली डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और डिस्क को ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना है। हमें पता है हमारा डिस्क किसके इक्वल होता है, डिस्क क्या होता है, डिस्क इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो। क्यों ज़ीरो के इक्वल हो, क्योंकि रूट्स क्या हैं हमारे, रूट्स आर इक्वल। इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, दैट्स वाई हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। अब हमने ए बी सी निकाल दिया है, सिंपलीफाई करेंगे, हम सब्सिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को। बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, माइनस टू इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस फॉर्मूले वाला, फोर फॉर्मूले वाला, ए हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी, और सी हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है बेटा जी, अब आपने सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी सी का, आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो इधर माइनस टू का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव फोर होगा, फोर, और ए स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर माइनस फोर। सिंपली आप इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी। इसी तरह माइनस, पहले ये सी स्क्वायर इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद माइनस ए बी इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, उसके बाद फोर फॉर्मूला ओपन होगा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी पॉजिटिव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ बी सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू ए बी माइनस टू। ए हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर है, बी हमारे पास क्या है, बी सी है। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला ओपन कर दिया, विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस टू ए बी। मूविंग फॉरवर्ड फर्दर, माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय, सिंप्लीफाई करेंगे, सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब। सी स्क्वायर को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो सी बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी विच इज इक्वल टू सी क्यूब माइनस ए बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर इज माइनस ए बी क्यूब, एंड लास्ट वन इज माइनस माइनस प्लस
AB मल्टीप्लाई बाय AC विच इज इक्वल टू A² BC। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इसमें भी 4, इस एक्सप्रेशन में 4 आ रहा है, इस एक्सप्रेशन में 4 आ रहा है, विच इज इक्वल टू 0। ये लाजमी लिखना है क्योंकि हम शुरू से डिफाइन करते आ रहे हैं कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है। ठीक है, क्यों इक्वल है? क्योंकि हमारे रूट्स इक्वल हैं। वैन एवर जब भी हमारे रूट्स इक्वल होते हैं तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। ठीक है, अब इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन निकाल लेंगे, पीछे क्या बच जाएगा? A^4 प्लस B²C² माइनस 2A²BC। उसके बाद 4 तो हमने बाहर निकाल लिया हुआ है, अंदर माइनस अप्लाई करेंगे, इधर क्या जाएगा? माइनस C²B² माइनस माइनस प्लस AC³। उसके बाद माइनस माइनस प्लस AB³ माइनस प्लस माइनस A²BC इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड किससे होगा? 0 से डिवाइड होगा। 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। 0 को किसी भी चीज़ के साथ डिवाइड करवा, 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करवा दो तो आंसर 0 ही आएगा। अब देखें इसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है जी, या कोई चीज़ कैंसिल हो रही हो, B²C² और C²B², इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। C²B² को आप B²C² भी लिख लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो पॉजिटिव B²C² आपस में कैंसिल हो गया विद नेगेटिव B²C² के साथ, और क्या बच गया पीछे? कोई चीज़ और कैंसिल तो नहीं हो रही? नहीं हो रही, तो सिंप्लीफाई करेंगे, पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास? A⁴ माइनस 2A²BC और उसके बाद प्लस AC³ माइनस AB³ माइनस A²BC इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी एक्सप्रेशन में देखें कोई चीज़ कॉमन आ रही हो, A इसमें भी है, 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 तो हर एक्सप्रेशन में A कॉमन आ रहा है, तो A कॉमन निकाल लेंगे, पीछे क्या बचेगा? A³ माइनस 2BC प्लस C³, A बाहर चला गया, पीछे C³ बचेगा, माइनस B³, उसके बाद लास्ट में B³ माइनस AB³ इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब आपके पास कौन कौन सी चीज़ें कॉमन आ रही हैं? अब इधर हमें एक इशू आ रहा है कि हमारा यहाँ पे B³ के साथ नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? ये नेगेटिव साइन कहाँ से आ रहा है? ये नेगेटिव साइन, ये देखें यहाँ पे एक गलती हुई है, हमने इस माइनस को इस माइनस के साथ, माइनस माइनस इधर क्या आना था? प्लस आना था, सॉरी, इधर भी क्या आना है? प्लस आना है, और इधर भी क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, अब आपके पास देखें A एक एक्सप्रेशन आ गई और एक एक्सप्रेशन ये आ गई, हम इन दोनों को 0 के साथ कंपेयर कर देंगे, तो एक आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? A इज इक्वल टू 0, और सेकंड आपके पास क्या आएगी? A³ और प्लस B³ प्लस C³, उसके बाद आपके पास ये माइनस 2AB³ है और ये माइनस AB³ है, माइनस 2AB³ माइनस AB³ इज इक्वल टू माइनस 3AB³ विच इज इक्वल टू 0। तो ये दो हमने इक्वेशंस को प्रूव करना था, ये देखें A इज इक्वल टू 0 एंड A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3AB³ इज इक्वल टू 0। तो थ्रू फॉर्मूला, थ्रू आइडेंटिटीज हमने ये क्वेश्चन प्रूव कर लिया है, होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर स्टिल आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप गूगल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।